अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। और ये मैंने अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, उसका फेवरेट एग बॉइल करके दिया है और ऊपर से मैंने कुछ हरी मिर्च, प्याज और हरा धनिया कट करके डाला है और ऊपर से मैंने थोड़ा सा सॉस और काला नमक डाल दिया है और उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है उसके ये। तो उसी की फरमाइश पर मैंने ये बनाया था उसके लिए। तो अब ये उसका बैग था जो कि मैंने बताया था कि सेल हमारे यहाँ पर लगी थी बैग्स की, स्कूल बैग्स वगैरह बच्चों के आए थे, तो मैं ये वाला बैग उसका लेकर आई थी। और बैन टेनिस पर बना हुआ था ये, देखें प्रिंट किया हुआ था और काफ़ी प्यारा ये लग रहा था। और ये 150 का बैग मुझे मिला था सेल से और ये काफ़ी बड़ा था, काफ़ी अच्छे से सिलेबस इसमें सेट हो गया था आसानी से अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। ये देखें काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा है, और मजबूत भी था, काफ़ी अच्छा था। तो अभी मैंने उसको रेडी कर दिया है स्कूल जाने के लिए। ये देखें वो शूज़ अपने पहन रहा था और अभी वो जाने लगा है। और मैंने लंच बॉक्स उसका पैक कर दिया था और वाटर बॉटल भी मैंने दे दी थी उसको भर के। आजकल मैं उसको सिंपल वाटर ही दे रही हूँ, फ्रिज का पानी वगैरह मैं उसको नहीं दे रही हूँ। और लंच बॉक्स वगैरह और टाइम टेबल वगैरह सब मैंने उसका सेट कर दिया था। कभी कभी मैं उससे भी करवा लेती हूँ टाइम टेबल सेट, बट अभी मैंने कर दिया था उसका। और अब ये दोनों जाने लगे हैं उसके पापा उसको छोड़कर आ रहे थे क्योंकि वैन जो आती है वो थोड़ा दूर पे आती है। और ये नेक्स्ट डे का है और आज मैंने बनाया था लौकी गोश्त की सब्ज़ी, और जो कि मेरे बेटे को काफ़ी पसंद है और काफ़ी दिनों बाद मैंने ये बनाया था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ये मिठाई लेकर आए थे और जो कि हमारे यहाँ की नहीं थी, कहीं और से वो लेकर आए थे और दादी से थी एक्चुअली में, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है ये और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। एक बार मेरे हस्बैंड लेकर आए थे थोड़ी सी टेस्ट कराने के लिए, छोटा वाला डब्बा लेकर आए थे, बट इस बार वो अच्छी क्वांटिटी में लेकर आए हैं और काफ़ी सारी लेकर आए थे और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं। और मुझे थोड़ा सा मेरे पेट में कुछ दिक्कत हो रही थी, मुझे पेट में कोई इशू हो रहा था, गैस वगैरह हो रही थी, तो मैंने ये नहीं खाई थी। और मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ी कम खाई थी, बट हमने जब भी डब्बा ओपन करके देखा था तो उसमें थोड़े बहुत पीसीज पड़े हुए थे, मिनिमम 4 पीस मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाए थे, मैंने 4 पीस और मेरे हस्बैंड ने, और बाकी सारे ये मेरे बेटे ने फिनिश किए हैं। यस और ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी, काफ़ी ज़्यादा। यस ये देखा मेरे बेटे ने खाई है और वो एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने चुपके चुपके भी खाई है और बहुत ज़्यादा उसको टेस्टी लगती है ये, हमसे भी ज़्यादा उसको पसंद है ये वाली मिठाई। खैर कोई नहीं, बच्चों को कुछ भी पसंद आए वो खाना चाहिए, अच्छी बात है, उसको कुछ तो पसंद आए और वो कोई चीज़ तो ऐसी है कि वो खाता है दिल से। और ये नेक्स्ट डे हो गया था, उसके बाद मैंने लंच बॉक्स में मैगी पैक किया था अपने बेटे के लिए और ये था शाही टुकड़ा जो एक पीस मैंने उसके लंच बॉक्स में पैक कर दिया था और उसके साथ मैंने रख दिया था स्पून और एक बनाना किया है ताकि वो इजीली उसको खा सके, और एक बनाना भी मैंने रख दिया था बनाना केस में। और उसके बाद में मैंने बैग में डाल दी थी दोनों चीज़ें। और ये देखें मेरे बेटे की न्यू यूनिफॉर्म, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था ये इस यूनिफॉर्म में। और ये देखें अभी वो जाने लगे हैं ये दोनों। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह तुम्हें अपने सामान में रखे।
और मेरा बेटा जा चुका है स्कूल के लिए। उसके बाद मैं अपने बाकी कामों में लग गई थी। अपने हस्बैंड को मैंने नाश्ता वगैरह कराया था और उनके जाने के बाद में, उन्होंने जाने से पहले मुझे ये कलेजी लाकर दे दिया था, तो मैंने दोपहर में ये बनाया था। और ये देखें, बीफ कलेजी मसाला ये मैंने बनाया था। ये मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं थोड़ा कम खाती हूँ। और ये देखें, उसके बाद मैंने मसाले मंगवाए थे और काफ़ी सारे मसाले जो थे मैंने ख़त्म हो रहे थे मेरे, वो होने वाले थे, हुए नहीं थे, बट मैंने मंगवा लिए थे पहले से ही, तो मैंने मंगवा के रखे थे, तो अभी मैं इनको करने लगी थी फिल। ये देखें, और मसालों का ये है कि अगर फिनिश होने से पहले हम मंगवा लेते हैं तो कोई भी हम डिश अगर बना रहे हैं तो एकदम से हमें किसी चीज़ की नीड हो तो वो मंगवानी पड़ती है, और जैसी भी हो लेनी ही पड़ती है। इसलिए मैंने पहले से ही मंगवा के रखती हूँ मैं सभी मसाले, या कुछ भी सामान मेरा ख़त्म हो रहा होता है घर का, कोई भी आइटम प्रोडक्ट कुछ भी, तो मैं मंगवा के रखती हूँ। तो मैंने बॉक्सेस निकाल लिए हैं सारे, और जो एक फूड कलर था ऑरेंज, वो बिल्कुल फिनिश हो चुका था, और मुझे जो मैं यूज़ करती हूँ मुझे वो मिल नहीं पा रहा था, तो अभी भी मैंने दूसरा ही लिया है जब मुझे नहीं मिला था, तो क्योंकि नीड हो जाती है, कोई चीज़ मैं बना रही हूँ तो मुझे ज़रूरत लग जाती है, तो इसलिए मैंने अभी लाल के लिए ले लिया था। और यहाँ पर एक खड़े मसाले का मेरे पास डब्बा है जिसमें कि सारे मसाले हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, जावित्री, सभी कुछ उसमें है, बट इसमें काली मिर्च ख़त्म हो रही थी तो मैंने काली मिर्च भी मंगवा ली थी। और अब की बार मैंने कुछ मैक्रोनीज मंगवाई हैं काफ़ी सारी। मैं वैसे कम यूज़ करती हूँ, पहले अलाउ नहीं था उसके स्कूल में लंच बॉक्स में मैगी या फिर मैदा की कोई भी इस तरह की चीज़ें देना, बट अभी कभी कभी दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने मंगवा के रखा है कि कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको बना के इजीली मैं दे दूँ मॉर्निंग के टाइम में। ये देखें, तो मैंने मंगवा के रख लिया था। और ये जो एक कांच के मेरे पास बाउल रखे हुए थे, इनमें मैंने इनको अच्छे से भर लिया था ताकि जब मुझे ज़रूरत हो, और ये अच्छे से विजिबल हो रहे थे इसमें, तो मुझे इजीली मिल जाए सामान, तो मुझे दिखाई देता रहता है कि ये चीज़ अभी फिनिश नहीं हुई है, तो ऐसे जार्स में आसानी रहती है किसी भी सामान को रखना, और इजीली उसमें पता रहता है हमें कि हाँ ये सामान फिनिश होने वाला है और ये इसमें अभी बाकी है। तो सारे बॉक्सेस मैंने फिल कर दिए हैं। और इसके बाद में एक चीज़ और रखी हुई थी मेरे पास, और ये मैंने मसालों को अच्छे से मिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, ये देखें, और ये अच्छे से फुल हो चुका है बिल्कुल। ये देखें, सारे स्पाइसेस इसमें मैंने डाले हुए हैं एक साथ, ये सबसे ज़्यादा नीड होती है इस वाले डब्बे की, ये जादुई डब्बा है एक जिसमें सारा सामान मिल जाता है, सारे मसाले होते हैं, स्पाइसेस काफ़ी अच्छे हैं इसमें, उसके बिना कोई चीज़ नहीं हो पाती है कंप्लीट कोई भी रेसिपी। और बॉक्सेस मेरे फिल हो गए हैं, इनको मैं कर लूँगी बंद अच्छे से। और एक मैंने बूंदी भी मंगवाया था, और ये रोस्टेड सौंफ है मेरे पास, ये रोस्टेड सौंफ है और ये कच्ची वाली सौंफ है जो मैंने अलग अलग करके रखी हुई है। और ये देखें, बूंदी मैंने मंगवाया था और काफ़ी सारी बूंदी मैंने ऐसे ही प्लेन खाई भी है वो, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है, क्रंची भी थी। और ये मैंने सारे केचप वाले डब्बे ले रखे हैं, केचप नहीं सॉरी किसान जैम के ये मैंने डब्बे लिए हुए हैं, और इनकी जो यहाँ पर लेबल था इसमें, वो लेबल मैंने निकाल दिया है, और देखें सारे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं ये, और सभी में इजीली विजिबल हो रहा है कि कौन सी चीज़ किस में रखी हुई है, और मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है इससे। और ये शाम का टाइम हो गया था और बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा तेज़, ये देखें काफ़ी तेज़ बारिश हो रखी थी, तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ मैं, और अगर आज का मेरा ये आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट
नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।